हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की लेक्चर सीरीज थी। जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और जो 5 जनवरी से हैं उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखना, 5 जनवरी के बाद जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप टाइम पर फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि उसके बाद जो है साइट बिजी हो जाएगी, सर्वर बिजी हो जाएगा, तो फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसके हमने कुछ जो लेक्चर्स है ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किए हैं, और आज हम उसके आगे ही चलेंगे। और प्रॉपर जो हमारे चैनल ऊपर प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाकर आप पहले जो 8 9 लेक्चर है उनको आप देख सकते हो, और ये लेक्चर प्री के लिए नहीं, प्री प्लस मेंस के लिए जो है हैं, इसमें मेंस के लिए भी कवर किया है। प्री प्लस मेंस कि जो मेंस के रिगार्डिंग जो हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए, हमें जो उसके लिए कमेंट्री चाहिए, वो मैंने ट्राई किया है आपको कराने के लिए। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में हमने इसमें करना है, इसमें एक लेक्चर इसके ऊपर लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया है, बट स्टिल हम इसके ऊपर दोबारा करते हैं, सो कि हमारा जो एक रिकैप हो जाएगा और देन उसके बाद हम आगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है जी, आप सभी को पता है, एक बार मैं आपको एक आप फॉर्म का पैटर्न बता देता हूँ क्या है। जो SRA है हरियाणा में प्रीलिमिनरी का भी पार्ट रहता है, एंड मेंस में जो सिविल लॉ 1 का पार्ट रहता है। ठीक है जी, ये जो है सिविल लॉ 1 का पार्ट रहता है। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो नॉर्मली जो देखने को मिलता है SRA से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, 4 से 5 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। मींस कि अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 16 से लेके 20 मार्क्स का पेपर ये एक एक्ट ले लेता है, जो कि छोटा सा एक्ट है, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि 41 सेक्शंस है। अगर हम जैसे क्रिमिनल लॉ को देखें तो वहां पर तो क्या है, आप IPC देख लो, CRPC देख लो, 484 सेक्शंस हैं। मैं ओल्ड CRPC की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ है, तो वहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, 14 15 क्वेश्चंस, 484 सेक्शन पढ़ने के बाद हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 14 15, और जहाँ पर हमने कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 41 सेक्शंस। तो वेटेज तो काफ़ी है, सो इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो अच्छी खासी वेटेज तो रख ही रहा है। और उसके बाद बात करते हैं मेंस के, तो मेंस में भी जो सिविल लॉ 1 का पार्ट रहता है। ठीक है जी, तो कुछ लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड है, वहाँ से आप देख सकते हो। और सेकंड चैप्टर से आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि विद इन 3 और 4 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ट्राई करेंगे कि जो लेक्चर की लेंथ थोड़ी लॉन्ग रहे, लेंथी रहे लेक्चर, क्योंकि उसका कारण है कि अब हमारे पास जो हमारा हरियाणा टारगेट है, हमारा हरियाणा मिशन है, वो कंप्लीट हो सके। मैक्सिमम जितने हम इसमें सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम कवर कर सकें। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हम सबसे पहले करते हैं कि जो 2018 की अमेंडमेंट के द्वारा न्यूली एडेड सेक्शंस है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन फिर उसके बाद करेंगे कि कब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है और कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकती। और लास्ट लेक्चर में ये कवर कर दिया था कि जो चैप्टर 2 है, जो 2018 की अमेंडमेंट हुई है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट इसी चैप्टर के ऊपर हुआ है। ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था तो तब मैंने बताया था कि इस अमेंडमेंट से पहले जो चैप्टर 2 था वो क्या था, ऑप्शनल था, क्योंकि आप लैंग्वेज चेक कर सकते हो सेक्शन 10 की भी, वहां पर पहले वर्ड क्या मे था, अब उस वर्ड मे को रिप्लेस करके शेल कर दिया है, मींस कि अब मंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं जहां पर एक बार
लिख देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। जो चैप्टर टू है हमारा, ठीक है, जो चैप्टर टू है बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा इफेक्ट 2018 अमेंडमेंट का इस चैप्टर के ऊपर ही आया है। सबसे पहले भी ये क्या था, ये ऑप्शनल होता था, मींस कि ऐसा चे मंडेटरी नहीं होता, ठीक है, ये ऐसा चे क्या था, मंडेटरी नहीं था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इसे अमेंडमेंट के बाद इसे मंडेटरी कर दिया। क्यों? क्योंकि बिफोर अमेंडमेंट जहां पर वर्ड जो था मे था, और आफ्टर अमेंडमेंट वर्ड क्या हो गया, शेल हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट देखा जाओ तो जो चैप्टर टू है उसके ऊपर आया है, सेक्शन 99 से लेकर 25 तक सबसे ज्यादा इफेक्ट इस चैप्टर के ऊपर ही आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यूली एडेड सेक्शन है बाय अमेंडमेंट 2018। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, सो कि आपको याद करने में और जब आपने वापस रिवीजन करना है तो थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। न्यूली एडेड सेक्शंस, बाय 2000 अमेंडमेंट, कि इस अमेंडमेंट के द्वारा कौन से न्यूली सेक्शंस है जो चैप्टर टू में ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें सेक्शन 14A, ठीक है, सेक्शन जो 14A है उसको ऐड किया गया, जिसमें क्या है, कोर्ट जो एक्सपर्ट का है वो ओपिनियन लेगी कि कोर्ट ने क्या है, एक्सपर्ट को एंगेज करना है, ठीक है, एक्सपर्ट को एंगेज करना है। अब एंगेज तो कर दिया, उसका जो एक्सपेंसेस हो गए, उसका खर्चा कौन पे करेगा। अगर हमने एक्सपर्ट को मींस की कोर्ट ने एंगेज किया है तो जो उस एक्सपर्ट के द्वारा रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, क्या वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस बनेगा, क्या जो ऑपोजिट पार्टी होगी उसे क्रॉस कर सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है सेक्शन 20A है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे शेड्यूल दिया गया वो भी 2018 अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया है। पीछे अमेंडमेंट, सॉरी, पीछे आपके वेयर एक्ट में एक शेड्यूल होगा जिसमें फाइव तरह के, जो फाइव टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो दिए गए हैं, राइट। देन उसके बाद है जो सेक्शन 20B है, ठीक है, जो सेक्शन 20B है जिसमें प्रोसीजर के बारे में बताया है, ठीक है, सॉरी स्पेशल कोड के बारे में, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो उस स्टेट की ऑनरेबल हाई कोर्ट होगी उसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, मींस कि जितने भी केस होंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो पीछे शेड्यूल में दिए गए हैं फाइव टाइप्स के, वो स्पेशल कोर्ट्स होंगी, ठीक है, कि स्पेशल कोर्ट्स मींस कि जैसे हम नेगोशिएशन एक्ट में देखते हैं 138 के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनी है, इसी तरह इसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स होंगी, राइट। देन उसके बाद है 20C है, 20C में कि एक प्रोसीजर बताया गया कि कितने टाइम में जो है आपने इन केसों को डिस्पोज ऑफ करना है, कि कितने टाइम में जो केस है उसका डिसीजन आ जाना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ चार सेक्शंस थे जो 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा चैप्टर टू में जो एडेड किए गए थे, ये कुछ न्यूली एडेड सेक्शन थे, और इसके साथ एक शेड्यूल ऐड किया गया जो पीछे प्रोवाइड किए गए फाइव टाइप्स के, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताए गए हैं, आप उसके भी देख सकते हो, और इसके साथ क्या ऐड किया गया, शेड्यूल, ठीक है, इसके साथ क्या ऐड किया गया, शेड्यूल जो हमारे पीछे वेयर एक्ट में दिया गया है, जिसमें फाइव टाइप्स के जो है प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सेक्शन 20A में कवर होंगे, राइट। तो जहां तक तो अब मुझे उम्मीद है कवर होगा। अब हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 14A के लैंग्वेज करते हैं, देन उसके बाद 20 ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो अमेंडेड सेक्शन है आज वो कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट में करेंगे कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी और कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वेयर एक्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो हमारा है सेक्शन 14A, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, कि कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक्सपर्ट को एंगेज करेगी। सो जो फर्स्ट लाइन है कि विदाउट प्रिजुडाइज जनरली सीपीसी, जहां तक छोड़ते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट, कि अगर कोई सूट है, ठीक है, अगर कोई सूट है, जहां पर वर्ड सूट यूज हुआ, इन एनी सूट, कि कोई सूट है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर, वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन, कि कोई केस है, कोई सूट है जो कोर्ट में फाइल है, अगर और कोर्ट को ये लगता है कि इसके ऊपर हमें जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन लेना चाहिए, कि जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन लेना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेंगे, ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन किसके ऊपर, एनी स्पेसिफिक इशू। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट है कोर्ट एंगेज करेगी, वो किसके ऊपर अपना जो ओपिनियन देगा, कोई एनी स्पेसिफिक इशू, वो कोई भी स्पेसिफिक इशू हो सकता है, राइट, वो क्या है, इन्वॉल्व इन द सूट, जो सूट में इन्वॉल्व है, इट में एंगेज, अब कितने आप एक्सपर्ट एंगेज कर सकते हो, वन कर सकते हो या एक से ज्यादा कर सकते हो, तो उसका है कि इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो कोई कंपल्सरी नहीं कि एक ही करना है, अगर तो एक के साथ सरजेगा देन डेफिनेटली एक कोर्ट करेगी अपॉइंट, अगर एक से नहीं सरेगा, बात नहीं बनेगी, देन कोर्ट क्या है, एक से ज्यादा भी एंगेज कर सकती है। उसके आगे है एंड, इसके साथ साथ डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू, और कोर्ट उस एक्सपर्ट को बोलेगी कि आप इस इशू के ऊपर अपना ओपिनियन दें और उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। ठीक है, एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑन द इशू, और जो भी उसका एविडेंस होगा वो कोर्ट में प्रोवाइड करे। ठीक है, आगे चलते हैं, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो कोर्ट अगर किसी एक्सपर्ट को लगता होगा कि किसी पर्सन की उसे जरूरत है, तो कोर्ट उसे भी डायरेक्ट करेगी कि आप एक्सपर्ट को क्या है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस ओपिनियन के, उस इशू के रिगार्डिंग जिसके ऊपर कोर्ट ने क्या है ओपिनियन मांगा है, तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसी एक्सपर्ट को, और उसके साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, एंड प्रोवाइड करे एक्सेस टू एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकती है और अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसके लिए, फॉर हिज इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, ये थे दो, अब आगे चलते हैं, द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय एक्सपर्ट, अब क्या है, कोर्ट ने एक्सपर्ट ओपिनियन किया था, सॉरी एंगेज किया था, और उसके साथ सेकंड क्लॉज में कोर्ट ने क्या किया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कोर्ट उस पर्सन को भी करेगी डायरेक्ट कर देगी कि आप एक्सपर्ट को क्या है डॉक्यूमेंट का असेस दें, आप जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें कोई इंफॉर्मेशन है वो भी उसके साथ क्या है असेस दें, राइट। उसके बाद अब एक्सपर्ट ने क्या किया है, अपना ओपिनियन की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली। ठीक है, वो रिपोर्ट तैयार कर ली, अब द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय एक्सपर्ट शैल फॉर्म, वो क्या होगा, जे इंपॉर्टेंट है, शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब जो एक्सपर्ट के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है जो ओपिनियन दिया है वो क्या होगा, वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या बनेगा, वो शैल फॉर्म होगा पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, किसका, ऑफ सूट का, एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टी ऑफ सूट मे एग्जामिन, अगर मान लो कि जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है या रिपोर्ट पेश किया कोर्ट में वो किसी पार्टी के खिलाफ है, किसी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस पार्टी के पास राइट है भी कोर्ट से परमिशन लेकर वो क्या कर सकते हैं, उस एक्सपर्ट का क्या है एग्जामिन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मे एग्जामिन द एक्सपर्ट कैसे, पर्सनली, कि जो एक्सपर्ट अंगेज था उसे पर्सनली एग्जामिन कर सकते हैं, कैसे, इन ओपन कोर्ट। ठीक है,
कैसे कर सकते हैं, ओपन कोर्ट में एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्हें ओपन कोर्ट एग्जामिन कर सकते हैं कैसे, ऑन एनी ऑफ द मैटर रेफर टू हिम और मेंशन इन द ओपिनियन और रिपोर्ट। जो ओपिनियन उसने रिपोर्ट में दिया है, ठीक है, उसके ऊपर जिसके पार्टी के खिलाफ जा रहा है वो पार्टी कोर्ट की परमिशन के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ऐसे नहीं है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि ये शैल पार्ट ऑफ, ये क्या होगा, शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की परमिशन के साथ जिस पार्टी के खिलाफ जा रहा है वो पार्टी क्या है उस एक्सपर्ट का एग्जामिन कर सकती है, ठीक है जी। और लास्ट में है द एक्सपर्ट शैल इंटाइटल ऑफ सच फीस। अब हमने एक्सपर्ट तो जो है उसको कोर्ट ने एंगेज कर दिया, लेकिन अब एक्सपर्ट उस प्लेस के ऊपर जाएगा, उसका खर्चा तो होगा, अब उसका खर्चा तो होगा, अब उसका जो खर्चा है, जो उसके एक्सपेंसेस है, वो कौन पे करेगा? कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि अगर एक्सपर्ट जो एंगेज हुआ है, राइट, एक्सपर्ट एंगेज हुआ है, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा, उसके बारे में भी कोर्ट क्या है वो ऑर्डर करेगी। तो लास्ट क्लॉज में यही बताया है कि द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल टू सच फीस, जो उसकी फीस होगी, कॉस्ट होगी और एक्सपेंसेस एज द कोर्ट में फिक्स करेगी कि विच शैल बी पेएबल बाय द पार्टी, कि कौन सी पार्टी है इसे पे करेगी, इन सच प्रपोर्शन, कौन से प्रपोर्शन में और एट सच टाइम, किस टाइम पे करने हैं, ये भी कोर्ट क्या है डायरेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये 2018 अमेंडमेंट के साथ ये पहला सेक्शन जो 14A ऐड किया गया था। अगर मैं ओवरऑल इसका क्रक्स बताऊं तो क्रक्स इसका इतना ही है, कोर्ट क्या है, एक्सपर्ट एंगेज कर सकती है, कितना कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और मोर देन वन, एक बात। उसके बाद जो भी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट तैयार की है या एक्सपर्ट के द्वारा जो ओपिनियन दिया गया वो क्या होगा, शैलो वो क्या पार्ट बनेगा ऑफ द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। दो बातें, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी पार्टी के वो खिलाफ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो वो पार्टी के पास राइट है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट की परमिशन के साथ वो क्या है उस एक्सपर्ट को क्या कर सकते हैं, एग्जामिन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन उसको कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सेक्शन आपको अब समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 20A, उसके ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20A क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए, रिलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, रिलेटिंग किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वन सेकंड का टाइम देना, मुझे देखने दो जहां पर इस वेयर एक्ट में क्या शेड्यूल है, बस प्लीज वन सेकंड का टाइम देना। यस, ये शेड्यूल है, ये भी 2018 की अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था, ठीक है जी, जहां पर आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 5 कैटेगरीज है। सबसे पहले कौन सी है, ट्रांसपोर्ट है, सेकंड उसमें क्या है, एनर्जी है, थर्ड उसमें क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन, फोर्थ उसमें है कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इसमें है सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये 5 टाइप्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी बात हमारे इस एक्ट में की गई है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं वेयर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर। अब है सेक्शन 20A, सेक्शन 20A है, इसमें क्या है, आप नो को जहां भी पढ़ सकते हो, इंजंक्शन शैल नॉट बी, ठीक है, जो इंजंक्शन है, मीन्स इंजंक्शन होता है जो स्टे हम बोलते हैं कि स्टे, कि जो इंजंक्शन है स्टे, शैल नॉट बी ग्रांटेड बाय कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा क्या है इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। जैसे हम पढ़ते हैं SRA परमानेंट इंजंक्शन, CPC में टेम्परेरी इंजंक्शन, पढ़ते हैं, दो सेपरेट टॉपिक है वो। लेकिन इस सेक्शन में आकर लेजिस्लेचर ने ये कह दिया कि कोर्ट क्या है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। ऐसा क्या हो गया कि जो लेजिस्लेचर को ये लिखना पड़ गया कि जो कोर्ट है, कोर्ट क्या है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, उसका कारण क्या है, इन्हें सूट किसके अंडर दिस एक्ट क्या है, जो इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई सूट है
उसमें कोई चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटिंग है तो कोर्ट क्या है उसे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। जो स्पेसिफिक कहां पर मेंशन है, शेड्यूल में। अब शेड्यूल आपने देख लिया कि 5 टाइप्स वहां पर बताई गई है। सॉरी, वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इंपेडिमेंट्स और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कि अगर उस जो इंजंक्शन के साथ क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले आता है, काम में रुकावट आती है, तो कोर्ट क्या है वहां पर क्या है, इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। ठीक है जी, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 20B, अब सेक्शन 20B नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद है क्लॉज एच ए सेक्शन 14(1), द एक्सपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन्स कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मीन्स की हमारे पीछे शेड्यूल में प्रोवाइड किया है उसके बारे में जो बात कर रहा है। आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड सब सेक्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर किसके लिए डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इफ इट इज कंसीडर नेसेसरी और एक्सपेडिमेंट टू डू सो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गाइड अमेंड द शेड्यूल। मीन्स टू से कि जो अमेंडमेंट करने की पार है, जो पीछे शेड्यूल दिया है हमने अभी देखा है, उसको अमेंड करने की पार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, जो पीछे शेड्यूल दिया गया अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो पार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास होगी, वो किसे स्टेट के पास पार नहीं होगी। हमारे लिए ये दो ही सबसेक्शन जरूरी थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या है, स्पेशल कोर्स होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट के लिए 138 के लिए स्पेशल कोर्स होती हैं, फैमिली कोर्स होती हैं, NRI कोर्स होती हैं, इसी तरह इसके लिए स्पेशल कोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल डिजाइन बाई द डेजिग्नेट बाई द नोटिफिकेशन पब्लिश ऑफिशियल गैजेट और वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो जहां का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के साथ बात करेगी, कंसल्टेशन करेगी, और उसके बाद एक और एक से ज्यादा कोर्ट्स को क्या है, स्पेशल कोर्स क्या है, बना सकते हैं। ये पार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर तो क्योंकि जो कोर्स है वो स्टेट के अंदर की जो कोर्ट की बिल्डिंग्स है उसका कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अगर तो स्टेट में जो है कि स्पेशल कोर्स के बारे में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि क्या हमें स्पेशल कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस के ऊपर कि कितनी पेंडेंसी है। अगर तो मान लो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, देन कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट वहां पर क्या है, मजबूर है, उसे क्या है, स्पेशल कोर्स बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो जो उसकी ऑनरेबल हाई कोर्ट है स्टेट की उसके चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेगी, देन उसके बाद क्या है, एक अगर तो कम है तो एक कोर्ट बना देगी, अगर एक से नहीं बात बनेगी तो एक से ज्यादा भी जो है कोर्स, स्पेशल कोर्स बना देगी। ठीक है, तो अगर जो शेड्यूल में जो अमेंडमेंट करने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और अगर कोई स्टेट कोई स्पेशल कोर्ट बनाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आगे चलते हैं, ये जो सेक्शन है एक्सपेक्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सूट, कि सूट कितने टाइम में डिस्पोजल करना है, इसे हम छोड़ते हैं जहां तक है। ए सूट फाइल अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट विद इन द पीरियड, कितने टाइम में, 12 मंथ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना कि कितने टाइम में क्या है सूट को डिस्पोज ऑफ करना है, 12 मंथ में। ठीक है, फ्रॉम कब से, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि कब से होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट, कि जब डिफेंडेंट को क्या है सर्विस होगी, जब डिफेंडेंट को आपने नोटिस दे दिया, उसे सम्मन कर दिया, तब से कितना टाइम है, 12 मंथ का टाइम है। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था हरियाणा में कि ये जो 12 मंथ का टाइम है कब से माना जाएगा, कब से स्टार्ट होगा,
तब वो कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन टू द डिफेंडेंट, कि जब आपने डिफेंडेंट को क्या है सर्विस ऑफ समवन कर दिया। और जहां पर वो कंफ्यूज करेंगे, जहां पर आपको ऑप्शन दे देंगे जब से सूट स्टार्ट होगा, जब से अपील सॉरी जब से सूट स्टार्ट होगा, या जब समन्स ऑफ सर्विस हो गए, या जब से आर्गूमेंट्स है ऐसे आपको क्या है वो, या जब से एविडेंस स्टार्ट हो गया, तो वो क्या है जहां पर आपको फंसाएंगे, इन ऑप्शन में आपको जरूर फंसाएंगे। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि वो कब से 12 मंथ का जो टाइम है स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है कि एक्सेप्शन है जी इसकी, कि अगर मान लो प्रोवाइडर डेट सेट पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर पीरियड, अगर मान लो कि जो 12 मंथ का टाइम दिया है फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन डिफेंडेंट को, उतने टाइम में केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी एक्सेप्शन। प्रोवाइडर डेट सेट पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर नॉट एक्सीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ मीन्स 12 मंथ जे प्लस 6 मंथ मीन्स 18 मंथ कि था 18 मंथ मीन्स 1.5 ईयर का टाइम है कोर्ट के पास केस को डिस्पोज ऑफ करना, कब से है, फ्रॉम द डेट सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडर, ठीक है, कब से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोर्ट 12 महीने में जो फर्स्ट 1 ईयर है उसमें कंप्लीट नहीं करती, तो कोर्ट को उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और रीजन कैसे होंगे, इन राइटिंग, वो रीजन कैसे होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए, तभी कोर्ट क्या है जो है 12 मंथ के बाद आफ्टर 1 ईयर क्या है डिसाइड कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो न्यूली एडेड सेक्शंस है ये समझ आए होंगे। इसमें अगर आपने कुछ याद रखना है तो सेक्शन 20C ये सेक्शन नंबर याद रखने हैं आपने बस, ठीक है, सॉरी आपने नंबर याद रखने हैं। 20A में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अमेंडमेंट आनी है तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 20B में स्पेशल कोड से, स्पेशल कोड अगर किसने बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो सी में क्या पूछेंगे, कितने टाइम है, 12 मंथ में कब से, फ्रॉम द डेट सर्विस ऑफ समवन टू डिफेंडेंट। एक्सेप्शन केस है तो 6 मंथ, उसमें स्पेशल रीजंस लिखने पे होंगे इन राइटिंग। और सेक्शन 14 में यही है, एंगेज करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपर्ट को एंगेज करे, वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर किसी पार्टी ने उस एक्सपर्ट के एग्जामिन करना तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है आपको अब ये समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है और कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर उसके बाद हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और विद इन 1 या 2 डेज हम इसे कंप्लीट करके हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। थैंक यू।